नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के चौथे पार्ट यानी प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में, जिसमें अपने कुछ भाग कर लिए थे। आज अपन इसका करेंगे अगला भाग, जिसमें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखो इसके अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रक्तदान। अब रक्तदान का मतलब क्या होता है? देखो अपन देखते हैं किसी व्यक्ति को कोई रक्तदान करता है और वो रक्त क्या किया जाता है, किसी दूसरी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी जो परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जिस तंत्र में रक्त बहता है उसी तंत्र में उसको चढ़ा दिया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रक्तदान कहते हैं। यानी एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति के मतलब नसों में यानी परिसंचरण तंत्र में चढ़ाना क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम ये रक्तदान किसने किया था? को एक जो डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले एक जो रक्तदान किया था वो था जो जीन बैप्टिस्ट थे, जिन्होंने किया था। देखो सबसे पहले क्या किया था, एक लड़का यानी एक बालक था, ठीक है, 15 साल का, जिसके अंदर क्या है, किसका रक्त चढ़ाया गया था सबसे पहले, एक भेड़ का रक्त। किसका सर्वप्रथम इसका जो स्थानांतरण किया था रक्त का, वो सर्वप्रथम एक बालक के अंदर जो 15 साल का था, जिसके अंदर भेड़ का रक्त चढ़ा के ये परीक्षण किया गया था, सबसे पहले बड़ा है। फिर कुछ साल बाद में क्या कर दिया, जो पशुओं से जो रक्त चढ़ाना इंसानों के अंदर बंद कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया यानी पूरे विश्व में। उसके बाद में क्या किया, फिर व्यक्तियों को एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाने लगा। ठीक है, इसके अंदर देखो रक्तदान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, ऐसा कंडीशन ही क्या होती है कि एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो आप नॉर्मली इसको सुनेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले चोट लगने या अत्यधिक रक्त स्राव होने पर, अगर मान लो कोई ज्यादा चोट लग जाती है, खून बह जाता है, या फिर का अधिक रक्त स्त्राव हो जाता है, यानी चोट लगेगी तो खून निकलेगा, खून अगर मान लो अधिक मात्रा में शरीर से निकल जाता है तो फिर रक्त की जल्दी से आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो रक्त क्या करे, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन वगैरह, आपको पता है रक्त का सारे कार्य क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना, वो नहीं पहुंचेंगे तो फिर रक्त व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको लिए जल्दी से उसको दूसरा रक्त, दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। दूसरा देखो रक्तहीनता होने पर, रक्तहीनता का मतलब क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी, क्या होता है, रक्त की कमी होना। अगर शरीर में रक्त की कमी हो गई है, अपन देखते हैं कई बार शरीर में कमजोरी आने से भी क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो फिर अपने क्या किया जाता है, डॉक्टर कहता है इसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये। तीसरा क्या है, शल्य चिकित्सा के दौरान, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है तब उसके अंदर जो कट लगाए जाते हैं वहां से भी क्या होता है, रक्त निकलता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, उसके ऊपर फिर रक्त चढ़ाया जाता है। अगला है रक्त में बीमारू की अल्पता की स्थिति में, अगर रक्त के अंदर अपना जो रक्त है उसके अंदर बीमारु यानी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अपन डेंगू वगैरह में देखते हैं तो क्या होता है, डेंगू में अपनी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, घट जाती है, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है, व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगला है हीमोफीलिया के रोगियों के लिए। अब हीमोफीलिया रोग क्या होता है, देखो हीमोफीलिया जो रोग है, ये जो हीमोफीलिया रोग है इसके अंदर क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये रोग है ना, इसकी थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसको अगर मान लो थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो फिर रक्त बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो रक्त काफी मात्रा में बह जाता है तो फिर उसकी रक्त की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये रक्त है जो हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त क्या हो जाएगा, अपने तो चोट लगती है, जैसे मान लो किसी को हीमोफीलिया नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसको चोट लगती है तो थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ा सा रक्त निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। लेकिन जो हीमोफीलिया रोग होता है, जिनके व्यक्तियों को क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये जो रोग होता है वो ज्यादातर किसमें होता है, मतलब हमेशा ये लगभग पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में या लड़कियों में इसका रोग नहीं होता है। वो क्या करती है, इसका वाहक का काम करती है, ये अनुवांशिक रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विस्तारित हो सकता है, महिलाओं में नहीं होता है, सिर्फ पुरुषों में रोग होता है और महिलाएं इसका वाहक का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी। अगला जो है दात्र कोशिकाएं अरक्तता के रोगियों के लिए, दात्र कोशिकाएं क्या होती है, कभी कभी अपने शरीर के अंदर जो RBC होती है वो क्या हो जाती है,
धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, या उसके अंदर विकार आ जाते हैं या वो जल्दी समाप्त होने लग जाती है। आरबीसी का हमने जीवन काल जो पढ़ा था उससे क्या हो जाता है, उनका नॉर्मली जीवन काल होता है उससे कम हो जाता है। अपन जो पढ़ते हैं इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का 120 दिन का होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है पहले ही। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, रक्त को दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो स्थितियां हैं कि रक्तदान की आवश्यकता यानी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रक्तदान की आवश्यकता कब होती है, तो आप कब कब होती है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं रक्तदान के अंदर रक्तदान करने की प्रक्रिया, यानी रक्तदान करने की क्या, रक्तदान का मतलब होता है रक्तदान करने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, यानी पहले जो दान करते हैं मतलब रक्त देते हैं तब की क्या प्रक्रिया होती है, फिर दूसरे को चढ़ाते हैं तब की क्या प्रक्रिया होती है। आपको ध्यान होना चाहिए रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी ऐसे नहीं है हर किसी का रक्त उठाकर उसको दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया, ऐसी प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है और इसके अंदर बहुत सारी बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। देखो क्या है, रक्तदान करते समय दो प्रकार की बातें होती है, एक तो होता है रक्त संग्रहण का और दूसरा होता है, इसका बात करें दूसरा जो है वो होता है आधान। आधान का मतलब क्या होता है, देखो पहला मैं बता देता हूं, ये अपन पहले के सारे पॉइंट बात करें, आधान के अपन दूसरे फिर पॉइंट बात करेंगे। पहले देखो रक्त संग्रहण यानी रक्त संग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पढ़ेंगे, फिर आधान मतलब दूसरे को चढ़ाते हैं तब की प्रक्रिया। पहले अगर मान लो कोई व्यक्ति दान कर रहा है रक्त, तब किस किस बातों का ध्यान रखना है, तो देखो पहले है दाता के रक्त का परीक्षण करना, यानी जो दाता रक्त दे रहा है उसके ब्लड की जांच की जाती है, पहले उसका जांच ब्लड का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा बात में क्या होता है, उसको देखो जो अपने कैनूला नाम सुना होगा आपने, जो कैनूला लगाते हैं, ठीक है, कैनूला क्या होती है, विशेष आकार की होती है वो रक्त, जो जब दाता रक्त आपने कभी डोनेट किया है या रक्त डोनेट करने वाली कैनूला देखेंगे तो विशेष आकार की होती है, ठीक है, प्रवेशिका जिसको बोलते हैं, कैनूला या प्रवेशिका, ठीक है, ये कैनूला जो आपने देखी होगी रक्तदान करते उस समय जो कैनूला लगाते हैं विशेष आकार की कैनूला होती है, और निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में संग्रहण किया जाता है। वो जो थैली ब्लड की जो ब्लड डोनेट करते हैं वो जो थैली होती है वो भी विशेष थैली होती है, उसके अंदर देखो दो चीजें होती है, एक तो निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त, यानी उसके अंदर ब्लड ऐसा नहीं अपने तो शरीर से बाहर जाती, ब्लड क्या हो जाता है थक्का जम जाता है, लेकिन उस थैली में इस तरह से रखा जाता है, वो थैली इस प्रकार की होती है कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है, नहीं तो आप अगर विशेष प्रकार की थैली नहीं होगी सीधी थैली में रक्त रखेंगे तो कुछ ही देर में वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तीसरा देखो जो पॉइंट है, संग्रहित रक्त का प्रतिशत भंडारण करना, यानी इसको कहाँ रखा जाता है, कोल्ड स्टोर में। प्रतिशत भंडारण का मतलब होता है कोल्ड स्टोर, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया या विशेष ब्लड बैंक बने होते हैं उसके अंदर कोल्ड स्टोर बने होते हैं जहां पर रक्त रखने पर वो खराब नहीं होता है। इसका अगला जो पॉइंट है, संग्रहित रक्त की जांच करना। अब जो रक्त संग्रहित किया है उसकी विशेष जांच की जाती है, ठीक है, क्या क्या जांच की जाती है, देखो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, यानी रक्त समूह उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, उसका आरएच कारक चेक किया जाता है किसके अंदर आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद में उसकी कई प्रकार की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये बीमारियां होती है, एचआईवी नहीं है उसको, इस तरह की बीमारियों की भी जांच की जाती है, ठीक है, ये उसके बाद में उसकी जांचें होती है, ब्लड जो संग्रहित करते हैं उस समय उसकी जांचें होती है। उसके बाद क्या है, रक्तदान के बाद दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो व्यक्ति ने जिसने डोनेट कर दिया, ठीक है, तो रक्त डोनेट करते उसको जाने नहीं देते, कुछ समय तक वहीं रोक के रखते हैं ताकि मान लो उसकी कोई प्रतिक्रिया ऐसी हो, हालांकि होती नहीं है, अगर कई की बार क्या हो जाता है अचानक से एक बार रक्त जैसे शरीर से बाहर जाता है तो हो सकता है उसको चक्कर वगैरह आ सकता है, तो वो क्या करते हैं कुछ समय के लिए व्यक्ति को वहीं पर रोक के रखते हैं, जो डॉक्टर की निगरानी में जहां भी ब्लड डोनेट करते हैं वहां पर रोक के रखा जाता है ताकि कोई भी अनवांटेड प्रक्रिया हो तो वो क्या करें उसके ऊपर ध्यान दे सके और उसी समय आते-आते उसका इलाज किया जा सके, ठीक है, तो कुछ देर तक रोकते रहते हैं। अब जो व्यक्ति ने जिसने ब्लड डोनेट किया है, ठीक है, उसका 2-3 दिन में क्या होता है, जो प्लाज्मा है वो 2-3 दिन में वापस बन जाता है, या मतलब लगभग 36 घंटे में उसकी क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, ठीक है, और उसके कुछ दिनों बाद में 2-3 घंटे दिन में क्या हो जाता है, उसका
रिकवरी हो जाती है और बाकी जो कुछ दिनों बाद में होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है जो रक्त की कोशिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तब अपन कहते हैं कम से कम क्या है 60 से 90 दिन के बीच से पहले एक बार रक्तदान करने के बाद में, क्योंकि पूर्ण रूप से रक्त को वापस उसी तरह का बनने के लिए क्या होता है समय लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कब, जब रक्त आप डोनेट कर रहे हो डोनेट वाले वक्त ये बातें ध्यान रखी जाती है, जब कोई रक्तदान कर रहा है उस समय। अब देखो जब दूसरे को रक्त चढ़ाते हैं तब कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उसको कहते हैं आधान। इसके बाद में देखते हैं अपन आदान क्या, मतलब किस तरह से आदान किया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति को। पहला तो अपने पढ़ा था ब्लड डोनेशन, अब दूसरा जो ब्लड डोनेट कर दिया उस दूसरे व्यक्ति को मान लो किसी को जरूरत है तो किस तरह चढ़ाते हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आदान का मतलब रक्त चढ़ाते हुए बातें तो ध्यान में रखनी है। देखो रक्त संग्रहण के बारे में अपने पढ़ लिया था, रक्त आदान में सबसे पहले क्या है आदान से पूर्व रक्त का मिलान करना, यानी आदान करना है यानी किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है उससे पहले उस व्यक्ति का ग्रुप कौन सा है, रक्त समूह कौन सा है, और आपके पास जो रखा हुआ है स्टोर किया हुआ है वो रक्त उसका अच्छी तरह मिलान कर लें। गलती से भी उसको अलग ब्लड नहीं चलना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है आदान से 30 मिनट पूर्व रक्त को भंडारण से बाहर निकालना, यानी अपने किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है तो जो रक्त का भंडारण कर रखा है, जो ब्लड बैंक में रख रखा है, जिस स्टोर में रख रखा है, ठीक है, कोल्ड स्टोर में, वहां से आधे घंटे पहले ही बाहर निकाल लेना, ताकि वहां कोल्ड स्टोर में ब्लड क्या होता है बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो उसको आधे घंटे से ज्यादा पहले भी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि ज्यादा बाहर रखने से ब्लड क्या हो सकता है खराब भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है, ठीक है। रक्त क्या है, जो रक्त होगा दूसरे व्यक्ति का, मान लो रक्त जहां स्टोर कर रखा है जिस थैली में, फिर क्या होता है कैनुला के द्वारा, किसके द्वारा, कैनुला आपको मैंने बताया था प्रवेशिका या कैनुला के द्वारा क्या किया जाता है, धीरे धीरे अपनी जो ब्लड सिराई होती है, रक्त की सिराई होती है, उसके अंदर जो ब्लड प्रवेश कराया जाता है, रक्त की नसें होती है उन रक्त वाहिनियों उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है, और ये बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। लगभग इसमें 4 घंटे का समय लगता है। किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त है किसी एक व्यक्ति को चढ़ाना है, मान लो किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के रक्त चढ़ाना है, तो उसके लगभग 4 घंटे का समय लगता है, बहुत धीरे धीरे अपनी नसों के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद है रोगी में आदान के समय संबंधित प्रतिक्रिया रोकने हेतु औषधियां दी जाती है। अब क्या होता है रक्त चढ़ाते हुए व्यक्तियों की कुछ मतलब प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है, कुछ उसके अंदर इस तरह के देखे जा सकते हैं, जो जैसे उसको बुखार आना, ज्वर का मतलब बुखार आना, उसको ठंड लगना, ठीक है, साइनोसिस या हृदय की अनियमित गति, ठीक है, ये इसके क्या हो सकते हैं उसके कारण हो सकते हैं। साइनोसिस का मतलब होता है शरीर का थोड़ा नीला कलर पड़ जाना, शरीर का नीला पड़ जाना, ठीक है, इस तरह की कुछ बीमारियां उसको मतलब एक तरह कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है उसकी प्रतिक्रिया, मतलब ये उसके प्रभाव हो सकते हैं रक्त चढ़ाते हुए। अगर मान लो किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त अपन चढ़ा रहे हैं तो ये उसकी समस्याएं हो सकती है कुछ समय के लिए, ठीक है, उसको आसानी से रोका भी जा सकता है, उसको दवाई दे दी जाती है जिससे वो ना हो, ठीक है। तो ये था आधान से जो रखने मुख्य बातें हैं जो आधान के समय ध्यान में रखी जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार के होते हैं। अब रक्त के स्रोत हैं यानी रक्त का स्रोत क्या है उसके आधार पर, अब आप स्रोत का देखो किस तरह से अपन परिभाषा समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहली जो परिभाषा है वो है समजात समाधान। समजात का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को दूसरे इंसान का रक्त चढ़ाना, ठीक है, यानी उनकी जाति समान है, एक इंसान है दूसरा इंसान है। यहाँ जात का मतलब जाति से नहीं है, मतलब एक इंसान की प्रजाति से है, ठीक है। तो ऐसा आदान यानी ऐसा जिसको ब्लड चढ़ा रहे हैं जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है तो दूसरे किसी व्यक्ति ने जो डोनेट कर रखा है रक्त उसको वो चढ़ाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है समजात समाधान। वहीं एक और परिभाषा है समजीवी समाधान। समजीवी का मतलब क्या होता है, समान जीव भी वही है, यानी मान लो किसी व्यक्ति ने पहले ब्लड डोनेट कर रखा था, अब मान लो उसी को ही रक्त की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे उसी का ही रक्त उसको चढ़ा देना, ठीक है। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति के समय का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है, यानी जो व्यक्ति जिसका व्यक्ति का ब्लड लिया था वापस उसी को ही चढ़ाना वो क्या कहलाता है समजीवी समाधान। समजात का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना, जबकि समजीवी का मतलब क्या होता है उसी व्यक्ति का रक्त उसी को ही चढ़ाना, ये कहलाता है समजीवी समाधान। तो देखो ये किसके आधार पर, रक्त के स्रोत के आधार पर क्या है रक्तदान 2 प्रकार के होते हैं। रक्त के स्रोत यानी स्रोत एक तो दूसरा व्यक्ति हो गया, एक खुद ही स्रोत हो गया, तो 2 स्रोत है यहाँ पे, अगर उनको चढ़ाया जाता है तो इसके आधार पर समजात समाधान और समजीवी समाधान की परिभाषा इस तरह से, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद देखते हैं
रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, यानी रक्तदान करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में अपन देखते हैं। वैसे तो ये अपने पढ़ लिया था, जो आपने पढ़ा था पहले रक्तदान कैसे करना चाहिए, ब्लड डोनेशन के बारे में, और फिर आदान के बारे में, जब रक्त चढ़ाते हैं उसके बारे में, वो ही मेन बातें हैं, ठीक है। उन्हीं के आधार पर ये बातें बनाई हुई है। देखो कौन सी, पहला है दाता व रोगी के रक्त का, रक्त में एबीओ प्रतिजन की मिलान करना, यानी जरूरत किसको है, पहले जो डोनेट कर रहा है उसको कौन सा ग्रुप है, और फिर जिसको चढ़ाना है उसका ग्रुप कौन सा है, रक्त समूह कौन सा है, पहले उसकी जांच करना, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, दाता के रक्त में रोग कारक तत्वों की जांच करना। अगर मान लो किसी ने रक्त डोनेट किया है, ब्लड डोनेट किया है, तो उस डोनेट ब्लड की पूरी जांच करना, उसके अंदर कोई मतलब जैसे कोई संक्रमित कीटाणु तो नहीं है, संक्रमित रोग कारक तो नहीं है, तो उसकी तरह अच्छी तरह जांच करना, यानी कौन सा रक्त समूह है, आरएच कारक है या नहीं है, इस तरह की जांचें करना, उसके किसी प्रकार की कोई बीमारी वाला तो नहीं है, तो ये जांचें करना। तीसरा है आरएच कारक का मिलान करना, यानी अगर जो डोनेट कर रहा है उसमें भी पता लगाना कि आरएच कारक है या नहीं है, और जिसको चढ़ाना है उसके अंदर भी पता करना कि आरएच कारक है या नहीं, उल्टा नहीं चढ़ा देना। अगर मान लो डोनेट किया था इसमें आरएच कारक उपस्थित था और जिसको चढ़ाना था उसके अंदर आरएच कारक नहीं था, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों के अंदर आरएच कारक, अगर चढ़ाने वाले में आरएच कारक है तो जिसने डोनेट किया है वो आरएच कारक वाला ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है संग्रहित रक्त का प्रतिशत भंडारण करना। अगर मान लो रक्तदान कर दिया, मान लो किसी ने रक्त डोनेट कर दिया, पूरी प्रक्रिया हो गई है, रक्त डोनेट करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो फिर उसके बाद उस रक्त को क्या करना, प्रतिशत भंडारण करना, मतलब कोल्ड स्टोर में रख देना, उसको ठंडी जगह पर रख देना ताकि वो खराब होने से बच सके। उसके बाद है संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। संदूषित का मतलब होता है खराब होने से बचाना, किसी भी स्थिति में रक्त खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये चीजें क्या होती है, बहुत अनमोल होती है। रक्त डोनेट करने वाला, जिसने रक्त डोनेट किया है, अब उस रक्त को पूरी तरह से संग्रहित रखने की जिम्मेदारी किनकी होती है, जिसको भी डोनेट किया, जैसे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तो ब्लड बैंक वगैरह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर वो किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। और अगला लास्ट है संग्रहण, यानी डोनेशन, डोनेट करते वक्त और आधान मतलब चढ़ाते वक्त, दोनों के दोनों समय क्या होने चाहिए, चिकित्सक की निगरानी में होनी चाहिए, वहां पर एक डॉक्टर उपस्थित होना चाहिए, ताकि डॉक्टर मान लो किसी भी तरह की कोई मान लो प्रतिक्रिया होती है तो हाथों हाथ वो क्या कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है, उसकी देखरेख में ही होना चाहिए। तो ये मेन बातें हैं, जब ब्लड आधान किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, उस समय सावधानियां बरतनी इन इन बातों की। किसी भी स्थिति में किसी को संक्रमित रक्त, यानी किसी को एचआईवी पॉजिटिव का रक्त, या इस तरह की जो बीमारियां होती है हेपेटाइटिस बी सी, इससे संग्रहित रक्त दूसरे को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा चढ़ाने से उसके अंदर वो भी संक्रमित हो सकता है। तो ये मेन बातें हैं जिसको आपको रक्तदान करते वक्त मेन महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन रक्तदान के बाद में अपन देखते हैं रुधिर वर्ग का अनुवांशिकी महत्व। रुधिर वर्ग का अनुवांशिकी महत्व मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आगे पीढ़ी बढ़ती है तो उसका रक्त समूह क्या होगा, उसके बारे में कैसे निर्धारण होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो अनुवांशिकी का महत्व, यानी अपना जो रुधिर वर्ग है समूह कौन सा होता है, ए बी ओ समूहीकरण, यानी अपने मानव के अंदर कौन कौन सा समूह पाया जाता है, या तो ए होता है या बी होता है या ए बी या ओ, ठीक है, ये समूहीकरण होता है। इसके बाद बात करें रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों के मेल पर निर्भर करता है, तीन विकल्पी होते हैं उनके मेल पर ही निर्भर करता है कि उसका रुधिर कौन सा होगा। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं, ये एक जीन के भाग होते हैं जिसको आई ए आई बी या आई ओ भी कह सकते हैं या सिर्फ आई बी कह सकते हैं, या तो इसको आई ओ कहेंगे या आई कहेंगे, ये इसके विकल्प भी होते हैं जीन के। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए व प्रतिजन बी का निर्माण आई ए व आई बी द्वारा ही किया जाता है। अब आपने पढ़ा था जो आरबीसी होती है, ये मान लो आरबीसी है, इसकी सतह पर क्या ए प्रतिजन होगा या बी प्रतिजन होगा या किसका प्रतिजन का निर्माण होगा, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, इसी के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद में आगे बात करें किसी व्यक्ति का रक्त समूह किन्हीं दो विकल्पियों के बीच की क्रिया पर निर्भर करता है, यानी व्यक्ति का जो रक्त होगा, नए जो व्यक्ति का जन्म होगा, बच्चे का जन्म, उसका जो रक्त है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, दो विकल्पियों के बीच क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। किस तरह से वो समझेंगे, मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के छह प्रकार के जीन पाए जाते हैं, छह जीन प्रारूप पाए जाते हैं, यानी मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर, यानी उसके अंदर जो विकल्पी हैं, जैसे अपने पेड़ में पढ़ा था, अपने मेंडल में पार्ट वाले में पढ़ा था, पौधे की लंबाई के दो विकल्प होते हैं, या तो पौधा लंबा होगा या बोना होगा, इसी तरह के उसमें जीन प्रारूप के अंदर छह प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन प्रारूप पाए जाते हैं, ठीक है।
उसकी उपस्थिति के आधार पर रुधिर के छह प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन प्रारूप पाए जाते हैं। इन जीन प्रारूपों को वंशागति मेंडल के द्वारा नियमानुसार होती है, यानी मेंडल के नियम जो दिए थे उन्हीं के अनुसार अपन इसको भी समझेंगे। तो पहले देखो छह हैं, कौन से, पहले रक्त समूह ए की बात करते हैं, तो ए में जीन प्रारूप कौन सकता है, या तो दोनों ही ए या ए हो। देखो अपन आई की बात करते हैं, अगर आई समयुग्मजी है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर आई समयुग्मजी का मतलब होता है दोनों ही ग्रुप, यानी दोनों विकल्पी क्या है, आई ओ या आई ओ है, ठीक है, वो क्या होता है, अप्रभावी। यहाँ आई जहां भी लिखेंगे वो क्या है, अप्रभावी है। अब देखो पहला तो इसके अंदर ये हो गया आई ए, आई ए विकल्पी, या फिर ये हो सकता है आई ए और ये छोटा आई, ठीक है, इसका मतलब कौन सा है, आई ओ समूह भी कह सकते हैं। ये हो गए दो। दूसरे में देखो बी ग्रुप की बात करें, रुधिर वर्ग बी में, इसमें आई बी भी हो सकता है, आई बी या फिर आई बी और आई हो सकता है, ये कितने हो गए, दो इसमें, दो इसमें, चार। पांचवा देखो अगर ए बी है तो आई ए आई बी, एक ही हो सकता है, एक पर आई होगा, ए होगा और बी होगा, तभी ये आई बी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई ए अगर दोनों ही ए ए युग्म है तो निश्चित तौर पे कौन सा होगा, प्रभावी ए ही होगा। अगर एक आई है और एक आई ए है तो ये प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगा, ठीक है, ये अप्रभावी रहता हमेशा, इसकी बात करें तो ये अप्रभावी है। इसमें देखो बी दोनों में ही है तो ये एक प्रभावी होना ही है, अगर इसमें आई है साथ में तो ये ही प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगा। आई ए बी दोनों को प्रभावी करना है तो फिर दोनों ही प्रभावी होने चाहिए, इसमें आई साथ में अकेला नहीं आ सकता। और चौथा वर्ग है अगर ओ हो तो उस व्यक्ति में क्या है, ना तो आई ए है ना आई बी है, दोनों ही अप्रभावी वाले आई आई क्या है, विकल्प है, जिन प्रारूप आई आई है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन दंपति है, मान लो कोई, ठीक है, उसके अंदर जो बच्चे का जन्म होता है उसका वर्ग क्या हो सकता है, ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है, वर्ग क्या हो सकता है, इस तरह से अपन उसका देखें। मान लेते हैं एक पुरुष है जिसका जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप वो कौन सा है, ओ है, कौन सा है, ओ है। और मान लो कोई स्त्री है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, कौन सा है, ए बी। अगर ये युग्मक जनन होते हैं तो युग्मक के तौर पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका आई और आई हो गया। ओ ग्रुप कब होता है, जब दोनों विकल्प क्या हो, आई आई हो। और दूसरा देखो जब स्त्री आई बी होगी तो कौन से होंगे, आई ए और आई बी, तभी क्या होगा, ए बी ग्रुप होगा उसका, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखो जब युग्मक बनते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग, ठीक है, अपने पढ़ा था पृथक्करण का नियम, तो युग्मक बनते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अब देखो इसका क्या होता है, जब इनके बीच में संकरण होता है, क्रॉस होता है, तब क्या होता है, इसकी संतति किस प्रकार की हो सकती है, तो देखो आई ए इसका और इसके संकरण से कौन सा बनेगा, देखो आप खुद देख सकते हैं, ये हो जाएगा आई ए और आई, ठीक है। अब देखो अगर इसको बी के साथ होता मान लो तो क्या हो जाता, आई बी और आई, ठीक है। अगर इसको करते इसके साथ में, ठीक है, तो कौन सा होता, ये आई ए और आई होता, और ये जब इसके साथ होता तब देखो क्या होता, आई बी और आई, यानी ये कौन सा ग्रुप हुआ, ए रहेगा, ये कौन सा रहेगा, बी रहेगा, ये कौन सा रहेगा, ए या बी। ये चार ऑप्शन में से उस व्यक्ति के जो संतति होगी इन चार दो ग्रुप में से या तो ए होगा या बी होगा, निश्चित तौर पर यही हो सकता है, जब पुरुष या महिला में से दोनों में से एक का ग्रुप ओ हो और एक का ए बी हो, ठीक है। ये अगर इधर भी होता पुरुष का होता और ये स्त्री का होता तो भी यही होता। तो किसी भी संतति का मतलब माता पिता से उसकी संतान में कौन सा ग्रुप होगा वो भी अपन पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपन इसका पता लगा सकते हैं, इसकी संतान में कौन कौन से ग्रुप, किसी व्यक्ति की संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, अगर उसकी माता पिता का संतान का अपन ग्रुप पता हो तो निश्चित तौर पर अपन पहले अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ये हो सकता है, ठीक है। आप दूसरा भी ग्रुप लेके कर सकते हो, आपके सामने जीन प्रारूप ये लिखा हुआ है, पहले इसको युग्मक में बदलेंगे फिर इनका संकर करा के देख लेंगे, तो इससे अपने क्या पता चल जाएगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो ये क्या था, रुधिर वर्ग की अनुवांशिकता में, तो यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रुधिर वर्ग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में। इसके बाद में देखते हैं इस पाठ का अंतिम टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखो किसके बारे में, अंगदान व देहदान, अंगदान और देहदान के बारे में, यानी अपने शरीर के अंगों का दान करना। देखो किसे कहते हैं, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। उत्तक का दान कर सकता है या अंगों का दान कर सकता है, जीवित व्यक्ति भी कर सकता है और मृत व्यक्ति भी कर सकता है। जीवित व्यक्ति कैसे, अगर मान लो किसी की किडनी खराब होगी तो एक किडनी अपन डोनेट कर सकते हैं, व्यक्ति एक किडनी पर भी क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। तो जीवित के तौर पर ही अपन क्या कर सकते हैं, अंगों का दान कर सकते हैं, और मृत व्यक्ति के तौर पर फिर मान लो उसका शरीर सिर्फ रह गया है उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसे बहुत सारे अंगों का अपन
उपयोग दूसरे व्यक्ति को लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिससे अगर मान लो उसके अंगों का यूज किया जाए तो 50 व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सकते हैं, यानी ऐसे 50 अंग है जो दूसरे व्यक्ति के काम आ सकते हैं। अब देखो व्यक्ति है, अगर अंग दान करना क्यों आवश्यक है और किस लिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर अंग दान करता है ठीक है तो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उसकी जो अंगों की पूर्ति कर उसको जीवन को संवारा जा सकता है। जैसे मान लो किसी की देहांत हो गया है ठीक है, ऐसमय मृत्यु हो गई है, एक तो जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके अलावा ऐसमय जो मृत्यु हो जाती है उस समय क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अंगों को दूसरे व्यक्ति के तौर पर काम में लिया जा सकता है। अगर मान लो किसी को ब्लाइंडनेस है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मान लो किसी व्यक्ति की ऐसमय मृत्यु हो गई थी तो उसकी आंखों को उसको काम में लिया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ विशेष बातें भी ध्यान रखनी होती है। अपन देखते हैं यहाँ पे अंगदान कर कौन सकता है, छोटे बच्चे से लगाकर 90 साल तक का व्यक्ति क्या कर सकता है, अंगदान कर सकता है। उसके बाद में भारत के अंदर जो अंगदान दिवस मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। ठीक है, आपको मैंने बताया अगर एक व्यक्ति जिसका देहांत हो गया अगर वो सभी अंगों को दान कर दे तो वो 50 व्यक्ति को क्या कर सकता है, लाभान्वित कर सकता है। ठीक है, अब बात करें कितने लोग अंगदान करते हैं, तो मुश्किल से आप खुद जानते हैं कि आप कितने को जानते हैं जिन्होंने अंगदान किया है, बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग। भारत में तो ये संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, 1 लाख पर पहले की बात माने तो 1 लाख पर एक व्यक्ति भी नहीं। ठीक है, तो बहुत कम लोग क्या करते हैं, अंगदान करते हैं, लेकिन उनकी जरूरत कितनी होती है, हजारों के अंदर, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी किडनी खराब होने से, हृदय में खराब होने से, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं, यकृत खराब होने से, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनके खराब होने से अगर उनको सही टाइम पे अंग नहीं मिलता है तो उनकी ऐसे में उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। तो जहां तक हो सके अंग को दान करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति की ऐसे में मृत्यु हो जाती है। इसकी लोग पहले भी घोषणा कर देते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे व्यक्ति आपको नाम भी जानते होंगे जिनके बारे में जिन्होंने क्या किया है, पहले अपने समय से पहले ही क्या कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे अंगों को काम में लिया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है, अगर कोई बच्चा 18 वर्ष का नहीं हुआ है अभी तक, उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, तो फिर उसकी मान लो ऐसे में देहांत हो जाता है तो क्या किया जा सकता है, उनके अभिभावकों द्वारा, अभिभावकों यानी उसके माता पिता की परमिशन के बगैर उनके अंगों को काम में नहीं लिया जा सकता, अगर बच्चे ने खुद ने बोल दिया है तब भी ऐसी लागू होती है। तो ये कुछ अंगों के बारे में, अंगदान के बारे में, कौन कौन से अंगों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ठीक है, किडनी वगैरह, हृदय वगैरह ये होते हैं, तो इनको आपको बस नॉर्मली आप खुद इसको अपने दिमाग से आंसर लिख सकते हैं, कुछ मेन बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, चौथा चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया हुआ, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आया है या नहीं, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।